दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको MTH 101 के क्विज नंबर 1 का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, द डेरिवेटिव ऑफ sin 3x एट द x इज इक्वल टू 0 इज 3। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानिब। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है ये, इसका जो आंसर है वो थर्ड वाला है, 6। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन अगर आपको क्लियरली नहीं नजर आ रहा तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर लिमिट ऑफ अ फंक्शन के बारे में पूछा है, जिसका क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ वाला। दोस्तों, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, आई थिंक आपको क्लियरली नहीं नज़र आ रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। नहीं, अब आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है थर्ड वाला, 0। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 5 है, अ फंक्शन f इज कॉल्ड कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट ऑफ एट पॉइंट c इफ c इज डिफाइंड एंड राइट हैंड लिमिट fx एग्जिस्ट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट fx इज इक्वल टू fc। थर्ड वाला जो है ऑप्शन, इसकी आंसर है। दोस्तों, ये 6 वाला क्वेश्चन, इसकी दो ही ऑप्शन है जिसमें से पहली वाली करेक्ट है। दोस्तों, 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट P23 टू द कर्व y इज इक्वल टू 3 हैविंग स्लोप 12 इज, ये इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यही इसका राइट आंसर है। दोस्तों, 8 क्वेश्चन यानी कि थर्ड लास्ट, इसका जो है 2 ऑप्शंस गिवन है जिसमें से फर्स्ट वाली जो है वो करेक्ट है, f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दोस्तों इसका है थर्ड वाला, इसमें लिखा हुआ था, इंस्टानसिनस वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। दोस्तों, लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसका फोर्थ वाला है, द इनइक्वालिटी ऑफ, ये लिखी हुई चीज़ें, होल्ड्स इन एनी सबसेट ऑफ दिस इंटरवल नेमली, इसके फोर्थ वाली ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।